तू जल्दी सजा दे, लड़के वाले आते होंगे। काका, हाँ? काका, विष्णु जीजा जी आ गए। अच्छा? सुस्वागतम। मुझसे बिना पूछे शादी तय कर दी, वो भी ऐसे घर में? आई आई, पता नहीं। ये कैसी व्यवस्था की है? बैठे। आशीर्वाद। इनसे मिलिए, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और विष्णु के ताऊ जी। प्रणाम। रुको, आप कन्या के पिता हैं ना? जी। तो बारातियों की आवभगत और बड़ों का सत्कार भला ऐसे करते? मैं इस खानदान का सबसे बड़ा हूं, आपको अपने हाथों से स्वयं मेरे चरण धोने चाहिए। ठंडा पानी, इन्होंने गर्म पानी की भी व्यवस्था नहीं की। ऐसे मौसम में भला कोई ठंडे पानी से चरण धोता है क्या? हरि, गर्म पानी लेकर आओ। ताऊ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठल, हमारा विष्णु पुलिस में नौकरी करता है, उसके विवाह में घर की ऐसी सजावट, इससे लाख गुना अच्छी सजावट और धूमधाम तो अपने मुनीब जी के बेटे की शादी में थी। कहां ले आए? के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मालसापति जी। अरे नहीं नहीं, अरे वही नहीं, बता रही है कुलकर्णी सरकार नहीं आए? वो विवाह में अवश्य आएंगे। अच्छा, एक भूल हो जाए इनकी तरफ से तब बताऊंगा इन्हें। पता नहीं बिट्ठल को यहां शादी करवाने के लिए किसने कह दिया। ताऊ जी बहुत नाराज लग रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भाई साहब के हाथों की खीर खिलाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। विचार तो अच्छा है, मैंने भी भाई साहब के हाथों की खीर खाई है। का बाकी सारे व्यंजन तो आपकी देखरेख में बन जाएंगे, लेकिन खीर केवल आप अपने हाथों से ही बनाइएगा। हाँ, हाँ तो कर दी मैंने, लेकिन विवाह की बात है, अगर कोई भूल चूक हो गई तो? तुम्हारे विवाह का तोहफा।
बहुत सुंदर। मेरे विवाह में तो आएंगे ना? विवाह में भला मेरा क्या काम? मैं ठहरा बैरागी, सांसारिक बंधन और रीत रिवाजों से मुक्त। साईं, ये विवाह आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। अगर आप ही नहीं आएंगे तो फिर क्यों नहीं आएगा? ये जरूर आएगा साईं। विवाह के लिए खीर मैं बनाने वाली हूँ। भाईजा माँ पकाएंगी तो मैं खीर खाने जरूर आऊंगा। अच्छा, मुझे मना कर दिया और इनकी बात मान ली? माँ का अधिकार होता है अपनी संतान पर, और माँ की बात टालने का साहस तो ईश्वर में भी नहीं होता। कल मिठाई दे दूंगी, बस्ती में बांट देना। इस जिपरी का तो हम बाल भी बाका नहीं कर पाए पंता जी। इसका मुंह देखकर मुझे तो मिठाई खाने का मन भी नहीं करेगा। पंता जी, मेरे दिमाग में एक योजना है। मेरे घर में ऐसी दवा है जो खाने में मिला दी तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपका मन उदास हो, आपको उसकी याद आए तो आप हमारे घर आ जाइए। तात्या भी तो आपके बेटे जैसा ही है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि केशव को मेरी जरूरत है। पढ़ने आया है ना?
तू किसी गांव से आए ना, क्या नाम है उसका? हाँ, शिरडी। चल अब इस वाक्य को अंग्रेजी में बोल के बता, केशव गदा है। तुम सब कैसे बहुत बुरे हो। हाँ वो तो है। सबको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे हम जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कल के बाद उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी हमें। कल इन सबको मजा चखाऊंगा। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। इतने छोटे घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बननी चाहिए थी। एक मौका मिल जाए तो इन लड़की वालों को इनकी औकात बता कर ही जाऊंगा। सबसे आशीर्वाद ले लो ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन हमेशा खुशमय और मंगलमय है। जी बाबा। सुखी रहो। आई, ये अप्पा जी कहाँ रह गए? वो अपनी आत्या सुहासिनी को लेने गया है। अचानक? सब कुशल मंगल तो है? आप तो जानते ही है सब। अब ऐसे मौके पे बात करना अच्छा नहीं लगता। खुश रहो। मैंने आपको आज तक कभी धन्यवाद नहीं कहा। अगर उस दिन आपने मुझे सही समय पे आके नहीं बचाया होता तो आज मैं अपने आई बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी कभी नहीं देख पाती। मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें? हमेशा विश्वास रखना साई पर। साई कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। वाले चमत्कार के बारे में पता चला है, दूर दूर से लोग आते ही रहते हैं यहाँ। हर समय तांता सा लगा हुआ रहता है द्वारका माई में। एक बात पूछनी है। हम सब भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना? पर भगवान किसकी सुनता है? भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को तो सब बराबर प्रिय होते हैं। साई, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिसे भगवान ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि भगवान किसी को बहुत कुछ देते हैं या किसी को कुछ भी नहीं।
भगवान क्या है ये जानते हो? एक ऐसी शक्ति जिससे हम सब जन्मे हैं, इसमें कोई दोष नहीं। और अगर हम ईश्वर में ही दोष ढूंढने लगे तो हम ईश्वर की परिभाषा को नकार रहे हैं, है कि नहीं? आस्था या तो संपूर्ण होती है या फिर होती ही नहीं। जहां आस्था होती है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं, और जहां शक हो वहां आस्था का कोई अस्तित्व नहीं। तुमने क्या खोया, क्या पाया, किसी को क्या मिला जो तुम्हें नहीं मिला? अगर तुम इस पैमाने पर ईश्वर को तौलोगे तब तो ये स्वार्थ है, सौदा है ये। इससे तो अच्छा है कि तुम ईश्वर को मानो ही नहीं। लेकिन अगर ईश्वर को मानते हो तो फिर इस इच्छा के साथ मानो कि तुम उससे प्रेम करते हो। दिन चाहे अच्छे हो या फिर बुरे, ईश्वर के लिए तुम्हारा प्रेम, ईश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, वो कभी कम ना हो। और आस्था की इसी संपूर्णता को प्राप्त करना जीवन जीने का सही मार्ग है। और जिस दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए तुम ईश्वर की हर संतान, हर बच्चा तुम्हारे लिए एक बराबर होगा, भले ही वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी देश, प्रांत, संप्रदाय या किसी भी जाति का हो। तुम्हारे लिए सब बराबर होंगे। देर तक सोता रहता है। अच्छा है, सोने दो, इसके जगने तक हम अपना काम कर जाएंगे। आइए। अंता जी, अगर यहीं खड़े रहे तो क्या होगा जानते हो? पैर दुखने लगेंगे। मूर्ख, अगर यहीं खड़े रहे तो झिपरी की बस्ती में कैसे जा पाएंगे हम? कल से हम यहाँ बेकार के काम में उलझे पड़े। मालसापति जी, बोलो। चिपरी के बस्ती में जो लड्डू भिजवाने थे वो तैयार है। आज तो मौका खुद हमारे पास चल के आया है। अच्छा, इस थाल को यहाँ रख दो, मैं किसी को भेजता हूँ। जी। काम उस साई के चमत्कार से झिपरी की बस्ती वालों ने दिवाली क्या मना ली, पैर ही नहीं पड़ रहे उनके जमीन पर।
अब अकल आएगी उनकी ठिकाने पे। साईं, मैं शिरडी का नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों को जब भी मदद की आवश्यकता होती है वो आपके पास आते हैं। अगर एक ही समय में वो सारे लोग अलग अलग जगहों पर आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कि सभी प्रिय हैं, सभी एक समान हैं, किंतु उस समय तो आपको चयन करना ही पड़ेगा ना? किसी को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी ना साईं? काका, आपने मेरे साईं के बारे में सुना है, उन्हें जाना नहीं है।